सिंह का चार्ज पकड़ा है हमारे नीलू चाचा ने। ये सभी सम्मानित बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटू को ठीक सारा प्यार। उत्तराखंड की सुंदर सी कत्यूर घाटी से पुष्पा दुसाद ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। अभी ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ घर से। तो आज हमारे मकान में डाल रही छत, तो मैं जा रही हूँ घर। दुसाद जी तो कल ही चले गए थे और मैं और भानु अब अभी जा रही हैं। नीचे पे है हम लोगों का मकान जिसमें छत पड़ी है, अभी आधी छत पड़ी है और फटाफट से मजदूर लोग कर रहे हैं काम। और इन लोगों की एक खासियत ये है कि जब पूरी छत हो जाएगी तभी ये लोग खाना खाते हैं, बस नाश्ता करते हैं और उसके बाद भूखे रहते हैं पूरे दिन। घर आई तो यहाँ पे पंडित जी भी आए थे समवस्त्र सुनाने के लिए। फैमिली के सभी लोग समवस्त्र सुन लेते हैं, किस राशि को पेट है, अपेट है और क्या क्या है। ये गहरा भी इस बार समवस्त्र शिव जी के समवस्त्र रहेंगे, ये बात शिव जी के सभी जी के दो समवस्त्र और रहेंगे, उसके बाद फिर ब्रह्मा जी विष्णु फिर ब्रह्मा जी के उपलक्ष में कहेंगे। ब्रह्मा जी क्या निकालते हैं क्या निर्भर, इस समय तो शिव जी के समवस्त्र में तो कोई भी ऐसा समवस्त्र ठीक नहीं आया है, इससे पहले पिंगल था, शिव 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 नारक हुए उनके उसमें वही हुआ, तो इससे पहले पिंगल था, उसके बाद ये इस समय जो शिव जी का समस्तर आया है ये काल युक्त आ गया, काल के अनुसार समय के अनुसार जैसा समय था वैसा समस्तर का भी रह गया उनके, और ऐसी है और क्या है गुरु जी सब ऐसी है। अभी थोड़ा बहुत मेघ राशि वालों को समस्तर अपैठी है, मेघ राशि वालों को समस्तर। अच्छा चलो हमारे हिंदू में शनि की दशा नहीं, राहु नहीं, केतु नहीं, कोई दशा के अंदर लोगों में नहीं पकड़ रखा है इनको। कार्य लग्न में सफलता मिलेगी, कहीं ऐसा चीज में सफलता मिलेगी, तो इसमें जो काल से भी मेघ राशि जैसा था, मेघ राशि वालों को समस्तर अपेट तो था, मुख में संक्रांत गई थी तो मार्गदर्शन अच्छा, भवन निर्माण हेतु आपका भवन बनी रहा है, भवन निर्माण संबंधी अब तो हमले जो हो तुमले देखा भवन निर्माण संबंधी अभी भी ऐसा है कि मेघ राशि वही चल रहा हो ना 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 एक ना बना दो तो मेघ राशि वाले सारे थोड़ी भवन थोड़ी बना दे होंगे अभी। देवन सिंह मीन राशि वालों को संबत्सर पैर है, उनको संबत्सर पैर है देवेंद्र को। पुष्पा कन्या राशि इनकी राहु की दशा तुमको संबत्सर पैर है ठीक है, और दिनोदार ठोल लौट के आ गए हिमांशु, हिमांशु कर्क राशि, कर्क राशि वालों का संबत्सर पैठ है बाम बाम पादे बाम बाम पाद में संग्रह मुकुट में संग्रह, और वो बालिका की आज्ञा भी हूँ काजल और वैशाली, वैशाली कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों को मुख संग्रांत है और मुख में संग्रांत भी है, संग्रांत पैठ भी है कुंभ राशि वालों को, बालिका को और काजल को, काजल मिथुन राशि, काजल जो है बाम पादे संग्रहालय में संग्रहालय छू और संग्रहालय अपेल छू, और भानु भानु धन राशि पूरा संवत्सर अपेल पूरा साल पूरा साल अपेल पूरा साल अच्छा संवत्सर अपेल का मतलब था पूरा साल अपेल, संग्रहालय का मतलब था कि ये पेट जो वैसा की संग्रहालय आती है उसका धन तात्पर्य। और राखी राखी क्या राखी तुला राशि धरी राशि कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों का संवत्सर संग्रांत अपेल हुआ, मुख संग्रांत गई थी अच्छा ठहरा, हृदय में संग्रांत गई थी अच्छा हुआ, सब कुछ बढ़िया हुआ। और आपको रह गया विनोद बिरख राशि, विनोद को संवत्सर पैर वैचार की बॉबी बिरख राशि और हिमांशु कर्क राशि, वो कर्क राशि वालों को समस्तर पैठो छू और दाहिने हाथ में संग्रांत गई है कर्क राशि वाले, नरेश कुंभ राशि वालों को समस्तर पैठ भय और मुख संग्रांत आई भाई हृदय में संग्रह बहुत सुंदर ठहरा। मनु सिंह राशि ठहरी संग्रांत संवत्सर पैठ हुआ
नरेश नीलू राशि, नीलू हाँ नीलू, नीलू वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों को संबंध हुआ दायरे हाथ में संक्रांत गई है। सुमित, सुमित कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों को संक्रांत पर और मुख संक्रांत हृदय संक्रांत। अच्छा हन्ने मम्मी तो राखी राखी रीना और कुंभ लक्षण है। अच्छा वह लक्षण वह रीना के हल रीना तुला राशि समस्तर पैर होगा। अच्छा 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 अब छुड़गी नो अक्सु और पैट का मतलब इधर पूरा साल बैठता। अच्छा ठीक है, संग्रांत पैट का मतलब इधर की बैसाखी जो ये पर संग्रांत है, संग्रांत पैट अब सा कि होने को तो ऐसा कुछ नहीं है, संवत्सर पैट संग्रांत पैट ऐसा कुछ नहीं है, उसका थोड़ा सरल सरल भोग होता है, उसका लग्नी निकालना पड़ता है ना, सरल भोग का नक्षत्र निकालना पड़ता है, जैसा कि ये है यहाँ पर निकाला था उसका नक्षत्र का हिसाब लगा रखा ना, ये जैसा सिर उत्तरा नक्षत्र, देवती नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, भैरी नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, सताई नक्षत्र ठहरे, मृग राशि का आद्रा पुनर्वसु अश्व विषय का अनुराधा ज्येष्ठा ये ठहरा, ये उन अस्त्रों में प्रवेश करने वाला। अब आप मेघ राशि आप इसमें समय बहुत खाने पर, जैसा कि मेघ राशि अश्विनी नक्षत्र आ गया, अश्विनी नक्षत्र में कहाँ से लग्न भोग कर रहा, कहाँ था इसको अपेरदा, कहाँ से इसके बाद मार्गदर्शन कराने हैं, ये निकालना पड़ता है ना, इसका बहुत लंबा सड़न नहीं करने वाला था महाराज, फिर इसके लिए तो बिल्कुल दिन रात लग जानी भाई, ऐसा था इनमें हजारों लाखों आदि में संख्या की आदि में एका है, बच्चा लाखों संख्या लाखों राशि जी के हजार करोड़ों राशि राशि पर रोल बात है, मेघ राशि वाले पर करोड़ों क्या, जैसे मेघ राशि है, मेघ राशि वाली इनकम और क्या कहते हैं व्यय क्या है, चौदह खर्चा चौदह है, तो चौदह और आठ कुछ पॉइंट जो भी आएगा, पांच जो शेष आएगा उस पर निर्भर, कुछ पॉइंट आएगा वो आपका निर्धारित समय का खर्च सदमार्गी हो जाएगा, जो शेष रहेगा उस पर निर्भर, उस पर निर्भर। अनसुपना संबस्तर सुनते सुनते नींद आ गई, बिना महंगे नहीं मेरी सासू माँ और ठीक ठाक छा, तुम स्वास्थ्य ठीक छा, खुटा में दर्द जरा ठीक छा, ठीक सुन तो ठीक छा, हाँ ठीक छिन मिले तीर की चाची भी आई हैं और सासुमा और तीर की चाची की चली है अभी गब्बे सब्बे, कभी कभी मिल पाते हैं बुढ़े बाढ़े। कानू हल्का हल्का बुखार आया है कानू को मेरे, और कानू ना कानू टूट गया, उड़ गया तू बाजार में रोड में, हाँ ना भालो छुटिया ठूल छूट और आज हमारे सारे गांव वाले भी आमंत्रित हैं हमारे वहाँ, तो अभी यहाँ पे खाना वगैरह बन रहा है और वहाँ पे छत डाल रहे हैं। फुल कुकिंग का चार्ज पकड़ा है हमारे नीलू चाचा ने, तो अभी हमारी बन रही है चटनी और मैंने भून ली है तिल, और दो साजी बना रही है चटनी और मुझे जिम्मेदारी दी है तिल पीसने की, लो मुनी रटा तिल पहाड़ में बसी जूल, तो दो साजी बना रहे हैं चटनी, चटनी की जिम्मेदारी दी है उनको बनाने के लिए, तो तिल पीस के हो गई हमारी तैयार। अरे टेस्ट कर लियो ना, एक कटोर में टेस्ट कर लियो, दोबारा क्यों गज्जा खा खराब जा।
चलो तो जरा शब्द लाइक ले तो मैं भी खाने लगी हूँ और मेरी थाली भी आ गई है यहाँ पे और सब लोग भी लोगों के साथ खा रहे हैं खाना। अब हम लोग बर्तन साफ कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि खुद ही बर्तन साफ करते हैं हम लोग गांव में। गांव की महिला का सौभाग्य है। हाँ अच्छा रहता है ना मिलजुल के काम करने में अच्छा लगता है। अच्छा तो शिव बुजुर्ग दल बैठे मैं मर गया खुश लग लो भाई। आप लेंटर भात अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छा क्या लग रहा है इसमें? सब अच्छा है। तो खाने में बना है हमारी चटनी और आलू गोभी की सब्जी छोले दाल और चावल। तो आज देवरानी नहीं खा रही है अभी ये काम ही करने में है बांटने में ही है और दो देवरानी लोग खाने लग गए हैं। मेरी गांव की बेस्ट फ्रेंड है ऊपर को देख तो जरा आ गई घास से। हाँ आ गई। और खाना खा लिया? हाँ खाना खा लिया। आई सरुली दी छत भी हमारी पूरी होने वाली है और जो भी वहाँ पे मजदूर लोग हैं उनके लिए बन लग गया है खाना क्योंकि पहले का खाना ठंडा हो जाता तो अभी बना रही हूँ उनके लिए। अब दाल टक्की और छोले तो हैं सिर्फ चावल बनाए फिर से तो अभी हमारी फैमिली वाले ही सब लोग बना रहे हैं। ये लोग बीच में नहीं खाते छत पूरी होने के बाद ही खाते हैं। तो आज के ब्लॉग को इतना ही रखती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें और जो पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें। बाय बाय। कल फिर मिलूँगी आप लोगों के बीच एक नया ब्लॉग लेके।